आत्मा श्रीमती सीमा उपाध्याय जी, माननीय विधायक श्रीमती अंजुला माहौर जी, लोकसभा के माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह गजेल जी, माननीय विधायक श्री बलेंद्र सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गजय सिंह साक्य जी, जिला प्रभारी चौधरी देवेंद्र सिंह जी, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती सुश्री मधुलिका राघव जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमती दुर्गेश नंदनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शरद माहेश्वरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, इस पूरे सम्मेलन में आए सभी समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण और हाथरस की उपस्थित सभी बहने और उपस्थित भाइयों, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक नई धार देने वाले, भारत की संत परंपरा के साथ साथ साहित्यिक परंपरा को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले काका हाथरसी और निर्भय हाथरसी की इस पावन धरा को और जिस हाथरस के यहां के लोगों की हाथ की कला ने बिना हाथरस की हींग के दाल का स्वाद ही नहीं, उस हाथरस की धरती को मैं नमन करते हुए हाथरस की सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटों पर यानी 33% सीटों पर सांसद और विधायक के रूप में चुने जाने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित संसद में अधिनियम पारित किया है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वही आज आप सबके सामने देखने को मिल रहा होगा। आपने इस बात को महसूस किया होगा, पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है, जहां पर जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबके विकास की भावना के साथ, जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दे जाने की आवश्यकता है उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही है और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो या फिर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से
किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नई गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश को बदलते हुए देखा है। 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई स्थिति को देखा है, किस तरीके से आज विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तब मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अनिवार्य रूप से 20% महिलाओं की, बालिकाओं की भर्ती होनी है, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। और उसका परिणाम है कि आज जब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है तो यह संख्या बढ़कर के 40,000 हो गई है, 10,000 से बढ़कर के 40,000 केवल महिला पुलिस कार्मिक आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनी हुई है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस बात को साबित करती है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज सार्थक रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, जहां दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं संपन्न कर सकते थे, और जहां पर बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन सुरक्षा और सम्मान सबको समान रूप से देने का कार्य सरकार करेगी। इस कार्य को प्रभावी ढंग से सरकार ने लागू करने का प्रयास किया है। यही नहीं, आज सरकार की प्राथमिकता में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, तो महिलाएं भी उसी प्रभावी ढंग से सरकार के एजेंडे का हिस्सा बनी है। आपने देखा होगा जब आज केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां बनती है तो इन नीतियों का आधार गांव बनता है, गरीब बनता है, किसान बनता है, नौजवान बनता है, समाज के विभिन्न तबके के लोग बनते हैं, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ होता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा 1,75,00,000 परिवारों को, और उसमें भी महिला सदस्य को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य हुए हैं। आपने देखा होगा जनधन अकाउंट में पहले खाते खुलते नहीं थे और अब अकाउंट भी खुल रहे हैं फ्री में, लेकिन साथ साथ सरकार की योजना का लाभ सीधे सीधे वहां तक पहुंचाने के लिए डीबीटी के माध्यम से पैसा आज उनके अकाउंट में जा रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले गरीबों के पास आवास नहीं था,
पिछले छह साढ़े छह वर्ष के अंदर प्रदेश में 55 लाख परिवारों को उनका घर मिला है। आपने देखा होगा इससे पहले बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक गांव में बिजली पहुंचाई गई और 1,56,00,000 से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमने प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया है। तो भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं, संकट में जो आपका साथी वही सच्चा साथी। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमने देखा है किस तरीके की स्थितियां थी। दुनिया में हाहाकार था, जान बचाने के लिए लोग लालायित थे। उस दौरान आपने देखा होगा एक और, उस दौरान आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम और हेल्थ वर्कर घर घर जाकर के लोगों की सेवा कर रहे थे, उनके लिए शासन की योजनाओं को पहचानने का कार्य कर रहे थे। तो दूसरी तरफ सरकार के द्वारा गरीब को भरण पोषण भत्ता और इसके साथ ही सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ परिवारों को फ्री में राशन पहुंचाने का काम भी हुआ है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ। 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोजेज उपलब्ध हो गई। सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी तबके को प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। ये सरकार की योजनाएं कैसे प्रभावी ढंग से लागू होनी है इसके उदाहरण हैं। और उत्तर प्रदेश में हमने जहां भारत सरकार ने मातृ वंदना योजना में मातृशक्ति के भी उनके अभिवृद्धि के लिए, उनके सम्मान के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इन्हीं कार्यक्रमों को गति देने के लिए जो कार्यक्रम तय किए उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि सरकार की योजना का लाभ मिले इसके लिए 5 चरणों में 15,000 रुपए की राशि हम बेटी को शासन की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक ये 15,000 रुपया थी और भाइयों बहनों अगले सत्र से हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी जन्म लेगी 5,000 रुपए सीधे उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी का 1 वर्ष होने पर टीकाकरण होगा, राशि उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। बेटी छठी क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। बेटी नौवीं क्लास में जाएगी, पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। और बेटी कोई पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आईटीआई करना चाहती है, कोई पाठ्यक्रम आगे की करना चाहती है, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। स्नातक तक की फ्री में शिक्षा के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की ये योजनाएं
इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया, अगर किसी गांव में कोटेदार का विवाद हो गया तो महिला स्वयंसेवी समूह को कोटे का व्यवस्था दे दो। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य ये अलग अलग संगठन करते थे, अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। आपने देखा होगा अनेक महिला स्वयंसेवी समूह आज समाज में बेहतरीन कार्य कर रही है, और इसमें तो हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, अभी मैंने मंच पर एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है, उन्होंने गांव के सभी प्रकार के बैंक के लेन देन को स्वयं के साथ जोड़ करके गांव की बैंक की समस्या का समाधान किया है, और स्वयं भी लाखों रुपया महीना कमीशन के रूप में कमा करके लखपति बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजनाएं लखपति बनाने का कार्य कर रही है, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है, और दूसरी तरफ शासन की योजनाएं उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन रही हैं, और स्वावलंबन के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी को शासन में भी भागीदारी मिले, इसी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर आज पारित हो गया है, और मुझे लगता है नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इन बहनों के अभिनंदन का दूसरा नहीं हो सकता था, और उसी अभिनंदन के क्रम में आज मैं हाथरस में आकर के आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। शारदीय नवरात्रि की मैं आपको बधाई देता हूं, और इस अवसर पर हाथरस वासियों ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनाव की जिता करके भेजा, उनके प्रयास से 177 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर हाथरस जनपद को प्राप्त हो रही है, इसकी बधाई मैं हाथरस जनपद के सभी नागरिकों को देता हूं। भाइयों बहनों, सरकार की विकास की सोच है, और विकास किसी योजना के अंतर्गत सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, ये योजनाएं विकास की सड़क की भी है, पेयजल की भी है, छात्रावास की भी है, स्टेडियम की भी है, और हम भी चाहते हैं कि हाथरस जनपद में भी बेटियां उसी प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करें, जैसे आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा पारुल चौधरी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आई है, और सरकार ने तय किया है कि उसको हम डिप्टी एसपी बनाने का काम करेंगे। सीधे सीधे कोई बेटी अगर अपने परिश्रम से डिप्टी एसपी का पद हासिल करती है, उसके लिए एक उपलब्धि है, और उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए सरकार आज खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, खेल का मैदान, ओपन जिम, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी उसी के हिस्से हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आपका आह्वान करते हैं, हाथरस अपने अनुरूप महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तैयार हो, तो कोई कारण नहीं कि विकास की एक एक योजना हाथरस जनपद में भी आकर के हाथरस जनपद को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। और उसी के प्रति आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज मैं हाथरस जनपद में आया हूं। मैं एक बार फिर से हाथरस के आप सभी भाइयों और बहनों को
शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं। 24 अक्टूबर को विजयादशमी की भी पावन तिथि है, इस अवसर पर विजयादशमी की अभी से आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आगामी पर्व और त्योहारों की